परिवार के त्याग ने दिया टीम इंडिया को भविष्य का कैप्टन कूल। वो खिलाड़ी जिसने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को अंडर 19 विश्व कप जिताया। माँ ने पहचाना था टैलेंट, फिर खुद अकेले एडमिशन करने ले गई क्रिकेट एकेडमी। पिता ने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए छोड़ दी थी अपनी नौकरी। कोहली और सचिन को अपना आदर्श मानने वाला खिलाड़ी। कहते हैं जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन इसे जीने के लिए आसान बनाना पड़ता है, क्योंकि एक सफल जीवन त्याग और समर्पण मांगता है, और ना चाहते हुए भी हमें ये बलि देनी ही पड़ती है। कुछ ऐसा ही हुआ है एक खिलाड़ी के जीवन के साथ, जिसके टैलेंट को पहचानने के बाद पूरा परिवार उसे काबिल बनाने के लिए अपने त्याग और समर्पण की बलि दे दी थी, और फिर कच्ची मिट्टी के समान बच्चे को ऐसे ढाला कि आगे चलकर उसने इतिहास रच दिया। बहुत ही छोटी उम्र में जूनियर क्रिकेट की कप्तानी का भार अपने कंधों पर लेकर टीम इंडिया को अंडर 19 टीम की कप्तानी में भारत को चैंपियन बनाकर ही दम लिया। बहुत कम उम्र में अगर आपको बहुत कुछ मिल जाए जिसके लिए आप पहले से ही मेंटली तैयार ना हो, तो उसे संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस खिलाड़ी ने न सिर्फ सब कुछ संभाला बल्कि करके भी दिखाया। दोस्तों, आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट की खास पेशकश चक दे क्लिक्स, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खिलाड़ी की जिसे भविष्य का कैप्टन कूल कहा जाता है। मैदान पर शांत रहते हुए बड़ी ही चपलता और चतुराई से ऐसी रणनीति बनाता है जिससे विरोधी उसके जाल में फंस जाते हैं। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम अंडर 19 चैंपियन टीम के कप्तान यश ढुल की बात कर रहे हैं। आज हम अपनी वीडियो में इस खिलाड़ी के जीवन पर बात करने वाले हैं, जानेंगे कि कैसे ये खिलाड़ी आम से खास हो गया और बहुत खास खिलाड़ी बन गया। यश ढुल का जन्म 11 नवंबर 2002 को दिल्ली के जनकपुरी में हुआ था। इनके पिता विजय ढुल एक कॉस्मेटिक कंपनी में सेल्समैन के रूप में काम करते थे, और उनकी माँ नीलम ढुल एक हाउसवाइफ है। यश ने अपनी स्कूली शिक्षा द्वारका में बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल से पूरी की। एक पुरानी कहावत है, पूत के पांव पालने में नजर आने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ यश ढुल के साथ। यश जब 4 साल के थे, तब सबसे पहले इनकी मां ने अपने बच्चे के टैलेंट को पहचाना था। यश बचपन में टीवी और मोबाइल पर क्रिकेट देखा करते थे। एक दिन कुछ बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे, तभी यश भी खेलने चले गए, लेकिन किसी ने भी यश को नहीं खिलाया। यश की माँ टेरिस पर खड़े सब देख रही थी, तभी उनकी माँ खुद यश के साथ खेलने चली गई। यहाँ यश प्लास्टिक के बैट से गेंद को अच्छा मिडिल कर रहे थे। यश की बैट स्विंग भी काफ़ी अच्छी थी। माँ थोड़ा बहुत क्रिकेट जानती थी, उन्होंने बच्चे को देखा और हैरान हो गई। यह बात यश के पिता को बताई। पिता ने यश को खेलते हुए देखा तो वो भी हैरान थे, क्योंकि यश के पिता को क्रिकेट काफ़ी पसंद था, क्योंकि उनका सपना भी एक क्रिकेटर बनने का था, जिसकी वजह से वो कुछ बारीकी चीज़ें जानते थे। पिता ने अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी, क्योंकि जो सपना खुद नहीं पूरा कर सके वो सपना बच्चे में देख रहे थे। माँ यश को भारती कॉलेज के नज़दीक एयरलाइनर क्रिकेट एकेडमी में ले गई, जहाँ पहले से अन्य बच्चों को कोचिंग दे रहे कोच प्रदीप कोचर ने यश का खेल देखा और माँ से कहा, लड़का बहुत छोटा है, इसे 2 साल बाद लेकर आना। माँ ने रिक्वेस्ट की, कोच मान गए। उन्होंने यश को कोचिंग देना शुरू कर दिया। कोच प्रदीप के साथ यश ने क्रिकेट की बारीकियाँ सीखी। यश जब 11 साल के हुए तो उन्होंने अंडर 16 राजेश पीटर मेमोरियल टूर्नामेंट में 11 साल की उम्र में नाबाद 40 रन बनाए, जहां उन्हें इनाम के तौर पर 500 रुपये का पुरस्कार मिला। अपने से अधिक उम्र के बच्चों के साथ खेलते हुए यश का यह प्रदर्शन हैरान करने वाला था। अपने खेल और जीते हुए इनाम से यश के अंदर एक अलग ऊर्जा आ गई। उन्होंने अपने खेल को और निखारना शुरू कर दिया। यश अच्छा खेल दिखा रहे थे। साल 2013 में यश के पिता ने इनका दाखिला बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल में करा दिया, जहां क्रिकेट की अच्छी फैसिलिटी थी, जहां उन्हें दूसरे कोच राजेश नागर के रूप में मिले। कोच ने यश का खेल देखा और काफ़ी प्रभावित हुए। जब भी यश कहीं दूर मैच खेलने जाते तो उनके साथ दादा भी जाते। इनके दादा आर्मी के रिटायर्ड थे, वो यश के बहुत करीब थे। दादाजी ने अपने पोते यश को क्रिकेटर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। मैच के दिन यश को सुबह ले जाते और शाम को साथ में घर ले आते। यश के अंदर की काबिलियत को देखते हुए बहुत जल्द उन्हें अंडर 12 में जगह मिल गई, जहां उन्हें बेस्ट बैट्समैन का टाइटल मिला। यश की बैटिंग में पहनापन आने लगा था। कुछ समय बाद यश को एज ग्रुप में मौका मिला, लेकिन यहां उनका बल्ला खामोश रहा। साल 2015 में जब यश 13 साल के हुए तो उनका चयन दिल्ली की अंडर 14 टीम में नहीं हुआ, जिससे वो काफ़ी निराश हुए। अफसोस जताने की बजाय यश ने ग्राउंड में जाकर पसीना बहाया। तब उनके कोच ने बोला, तुम अगर अपनी बल्लेबाजी में और निखार लाते हो
तो तुम्हें अगले साल जरूर मौका मिलेगा। इसके बाद यश ने रनों का अंबार खड़ा कर दिया। यश के प्रदर्शन को देखते हुए उनका चयन दिल्ली की अंडर 16 टीम में हुआ, जहां साल 2017-18 में विजय हजारे मर्चेंट ट्रॉफी में पंजाब के खिलाफ उनका पहला मैच था। यश की टीम दिल्ली मुसीबत में थी, एक छोर से विकेट गिर रहे थे। तभी क्रीज पर आए यश ढुल ने पंजाब के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए शानदार 186 रन नाबाद ठोक डाले। संयोग की बात यह हुई कि इस मैच को देखने बड़े बड़े कोच और सेलेक्टर आए हुए थे। दबाव से भरे इस मैच में यश की पारी देखकर सेलेक्टर काफी प्रभावित हुए। यश को इस पारी का इनाम यूं मिला कि कुछ दिनों बाद उन्हें दिल्ली की अंडर 16 टीम का कप्तान बना दिया गया। यश उन खिलाड़ियों में से हैं जो लगभग सभी इंटरनेशनल क्रिकेटरों से प्रभावित हुए हैं। यश के कोच ने एक बार कहा कि यश जब बल्लेबाजी करता है तो उनकी बल्लेबाजी में एकाग्रता टेम्परामेंट नजर आती है। यश की खूबी ये है कि वो अपना विकेट जल्दी नहीं देता। टीम में एक लीडर की भूमिका अक्सर यश में देखी जाती है। मैच को अंत तक ले जाने की काबिलियत यश में खूब है। यश का खेल परवान चढ़ ही रहा था कि खबर ने यश को हिला कर रख दिया। दरअसल यश के दादाजी, जिन्होंने यश को यहाँ तक पहुँचाने में एड़ी चोटी का जोर लगाया था, उनका कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। यश इतने उदास हो गए कि कुछ दिनों तक उनका मन क्रिकेट खेलने में नहीं लगा। पिता ने यश से कहा, उठो और अपने खेल पर ध्यान दो, तुम्हारे दादाजी ऊपर से तुम्हें एक बड़ा और सफल क्रिकेटर बनते देखेंगे। पिता के समझाने के बाद यश का हौसला दुगना हो गया और वो मैदान पर लौटे, जहां साल 2018-19 में विजय मर्चेंट ट्रॉफी में यश की कप्तानी में दिल्ली की टीम कई सालों बाद नॉकआउट मुकाबलों में पहुंची थी, जहां यश का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था। मार्च 2020 में यश को नेशनल क्रिकेट अकेडमी से प्रैक्टिस के लिए कॉल आया, लेकिन जाने से ठीक दो दिन पहले कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लग गया, जहां सब कुछ ठप सा हो गया, सारे आउटडोर गेम बैन हो गए। लेकिन वो कहते हैं ना कि परिस्थितियां कैसी भी हो, हुनरमंद लोग रास्ता बना ही लेते हैं। यश ने भी कुछ ऐसा ही किया। क्रिकेट की प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखने के लिए यश ने पिता के साथ मिलकर घर की छत पर नेट्स लगवाए। पिता ने अपने ज़माने में क्रिकेट के बेसिक्स सीखे थे, जो उस समय उनके बहुत काम आई। पिता यश को सुबह और शाम दोनों प्रैक्टिस कराते थे। प्रैक्टिस के दौरान जो चूक हो भी जाती तो फ़ोन के जरिए कोच विजय यादव से पूछ लेते। इसके बाद 2020 और 21 में विनू माकन ट्रॉफी में यश ने चार मैचों में 75 की औसत से 302 रन बनाए। यही नहीं, इसी साल अंडर 19 चैलेंजर ट्रॉफी में इंडिया ए की तरफ से खेलते हुए यश ने तीन मैचों में 168 रन बना दिए। उसके बाद खेल का नतीजा यह हुआ कि उनकी टीम फाइनल तक जा पहुंची। इतना ही नहीं, इसी दौरान यश ने अपनी कप्तानी को भी खूब निखारा। यश बहुत छोटी सी उम्र में अब तक काफ़ी कुछ हासिल कर चुके थे, लेकिन अभी और उनकी झोली में बहुत कुछ आना था। 10 दिसंबर 2021 को बीसीसीआई ने अंडर 19 एशिया कप और विश्व कप के लिए यश को टीम इंडिया का कप्तान नियुक्त कर दिया। विराट कोहली के बाद दिल्ली की तरफ से यश ढुल को इंडिया अंडर 19 की कप्तानी मिलना उनके लिए एक सपने जैसा था। पहले साल 2021 में खेले गए अंडर 19 एशिया कप में यश का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा। इसके बावजूद उन्होंने अपनी कप्तानी 8 साल बाद भारत को अंडर 19 एशिया कप जितवाया। वक्त अब तेजी से बढ़ते हुए विश्व कप के दरवाजे तक जा पहुंचा, जहां 15 जनवरी को यश ने अपने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 82 रनों की मैच विनिंग पारी खेली और भारत यह मैच 45 रनों से हार गया। लेकिन ठीक चार दिन बाद यश कोरोना से पीड़ित हो गए। इसके बाद यश ढुल को आयरलैंड और युगांडा के खिलाफ अगले कुछ मैचों से बाहर कर दिया गया। 29 जनवरी 2022 को बांग्लादेश के खिलाफ क्वार्टर फाइनल 2 में यश ढुल ने टीम में वापसी की और टीम को 5 विकेट से जीत दिलाई और भारत सेमीफाइनल में जा पहुंचा, जहां उसके सामने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम थी। 2 फरवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में यश ढुल ने अपना पहला शतक बनाया। यश ने 110 गेंदों में 110 रनों की शानदार पारी खेली और भारत के स्कोर को 290 रनों तक ले गए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही। भारतीय गेंदबाज विकी ओस्टवाल, रवि कुमार और निशांत सिंधु की धारदार गेंदबाजी के आगे कंगारुओं की एक न चली। सभी बल्लेबाज अंतराल में पवेलियन लौटते चले गए और इस तरह से भारत ने यह मैच 96 रनों से जीत लिया और इसी के साथ भारत फाइनल में पहुंच गया, जहां पहले से उसका इंतजार इंग्लैंड कर रही थी, क्योंकि साल 1998 में टूर्नामेंट जीतने के बाद 2022 में इतने लंबे अंतराल के बाद इंग्लैंड फाइनल में पहुंचा था। 5 फरवरी 2022 को यश ढुल के नेतृत्व में भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर 5वीं अंडर 19 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। विश्व कप में जीत के बाद यश को दिल्ली की रणजी टीम में चुन लिया गया और यहां भी यश ने जो किया उसे सबने देखा। यश ने रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करते हुए तमिलनाडु के खिलाफ शतक ठोक डाला। यश ने अपनी इस पारी में 150 गेंदों में 113 रन बनाए।
साल 2022 में यश ढुल को दिल्ली कैपिटल्स ने 50 लाख रुपए में खरीद कर टीम में शामिल किया, लेकिन उन्हें इस सीजन में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन दिल्ली ने उन्हें बरकरार रखा और साल 2023 में यश ने दिल्ली की तरफ से 4 मैचों में 3 पारियों में सिर्फ 16 रन बनाए। दोस्तों, अब नज़र डालते हैं यश ढुल के छोटे से क्रिकेट करियर पर। यश ढुल ने 15 प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 49 की औसत से 1145 रन बनाए, तो वहीं लिस्ट ए के 12 मैचों में 60 की औसत से 425 रन। यश ने 12 घरेलू T20 मैचों में 379 इनके बल्ले से निकले। दोस्तों, यश ढुल जैसे युवा खिलाड़ी ने बहुत ही कम उम्र में वो सब हासिल किया जो कई खिलाड़ी नहीं कर सके। आपको यश ढुल का क्रिकेटिंग सफर कैसा लगा, आप हमें अपनी राय वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगले अंक में मिलेंगे एक और खिलाड़ी के साथ, एक और स्टोरी के साथ। अभी दीजिए इजाजत, धन्यवाद।